आज 10 बज चुके हैं। 10 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैंने बनाई है पालक की चटनी और मेसी रोटी और कुछ थोड़ा सा मैंने आटे का हलवा भी बनाया, क्योंकि गुड्डू की आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसका मन था कि मम्मी आज आटे का हलवा बना के दो, तो मैं आज आटे का हलवा बनाई हूँ उसके लिए। और मैंने मेसी रोटी बनाई है बेसन डाल के, आटा डाल कर, और इस तरह से मैंने मेसी रोटी बनाई है, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये मैं लगभग मेरा किचन का और घर का काम पूरा हो चुका है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और गुड्डू की तबीयत ख़राब है इसलिए वह सो रही है थोड़ी देर। और आज ही मैंने ये फ़ोन मेरे को आज मिला है, क्योंकि शुभम भी यूट्यूब में अपना वीडियो डालता है और तो 2 दिन से वह वीडियो डाल रहा था और बना रहा था, और उसको क्योंकि वह आज वो गन बनाया बड़ी सारी, तो वह आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी शुभम की, और उसके दो दिन लग चुके थे फ़ोन उसी के पास था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती। और क्यों, मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है ज़्यादा, और मैं कभी मायके चली गई थी बीच में से, तो इसलिए मैं 5-6-7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही, और इसलिए मेरा थोड़ा सा वीडियो डालना मुश्किल हो रहा है। और कभी शुभम ले लेता है, कभी मायके चली जाती हूँ मम्मी की तबीयत ख़राब होने के कारण, और कभी कभी मम्मी को भी शर्माना पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और सुबह के 9 बज चुके हैं और आज मैंने बना रही हूँ आटे का हलवा। आप इसे गुरुद्वारे वाले कड़ा प्रसाद भी बोल सकते हो, आटे का हलवा भी बोल सकते हो, और ये लापसी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। और मैं बना रही हूँ हलवा, और ये आज गुड्डू की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और नरम थी उसकी, तो उसने कहा कि मम्मी आज मेरे को आटे का हलवा बना दो। दोनों बच्चों को आटे का हलवा ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि सूजी का हलवा कम ही पसंद करते हैं, और इस टाइम में आज आटे का हलवा भी बना रहे। और सर्दी का मौसम भी आ रहा है, सर्दी अब सर्दी ही पड़ेगी अब बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ सर्दी थोड़ी ठीक ज़्यादा पड़ती है सेखावटी में, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए आटे का हलवा थोड़ा सा बना रही हूँ। और मैंने लिए 1 कटोरी आटे की और 1 बड़ी चम्मच घी की ले रही हूँ। अभी इसे धीमी आंच में अच्छी तरह से पका रही हूँ, हल्का सा ब्राउन होने के बाद में इसे और आप देख सकते हो इसे धीमी आंच में धीरे से धीरे धीरे पकाएं और हल्का ब्राउन होने तक पकाएं, और इस तरह से घुमाते रहें, और जिससे ताकि यह अच्छी तरह ब्राउन होने के बाद में इसमें गर्म पानी कर लें। और अब गुड्डू आ गई है और ये इंतज़ार करिए कभी मम्मी आटे का हलवा बनाए और मैं खाऊं, क्यों सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, अब सी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि हमारे हल्की बारिश भी हुई थी इसलिए थोड़ी सी ठंड पड़ रही है थोड़ी सी, और सर्दी का मौसम भी चल रहा है। आटे के हलवा में गर्म पानी ही पड़ता है, क्योंकि गुठले पड़ने का डर रहता है, और इसलिए मैं अलग गर्म पानी कर रही हूँ उसके लिए 1 गिलास, ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह गुड्डू को गर्म पानी की पीने की आदत है और वह गर्म पानी ही पीते हैं सुबह सुबह, उसके नए जुकाम की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इसे गर्म पानी ही देती हूँ सर्दियों के अंदर। और ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, आप देख सकते हो ये आटे का हलवा, और अब मैं इसी में गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी का डालूँगी। गर्म पानी हो चुका है और मैंने इसमें 1 गिलास गर्म पानी का डाल दिया और अच्छी तरह से मिला लिया है, और इस तरह से घुमाते जाइए और ताकि गुठले ना पड़े, और आप देख सकते हो इस तरह से एकदम लगातार एक ही दिशा में घुमाएं, और ये सारा इस तरह दबाते रहें कि गुठले ना पड़े, और आप देख सकते हो इस तरह से आटे का हलवा में गुठले का पड़ने का डर रहता है, और ये
आटे का हलवा घी छोड़ने लगा है और इसमें एक कटोरी चीनी भी डाल दी है। इस तरह से आटे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। सबको पसंद आता है आटे का हलवा और बहुत ही देसी स्टाइल में तक आटे का हलवा है और बहुत अच्छा बनता है। इसमें गुठले भी नहीं पड़ते हैं क्योंकि आप गर्म पानी ही डाले आटे का हलवा बनाते समय। और अगर आप आटा भूनें भुने तो थोड़ा घी ज़्यादा लें और जिससे कि आटा अच्छी तरह से भुन जाए और चिपे भी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से आटा लगा हलवा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ पालक की, और पालक की सब्जी बना रही हूँ। प्योर पालक है और इसमें प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डाला है। और ये सुबह अब खाना बना रही हूँ और पालक की सब्जी बना रही हूँ, चटनी सी बना रही हूँ पालक डाल के। और इसमें टमाटर लहसुन और प्याज वगैरह डाला है और इस तरह से ये मिला रही हूँ। और सुबह की 9 बज चुके हैं, लगभग 9 बज चुके हैं और अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि वो फिश का भी टाइम हो गया उनका। और सुबह ही जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ और मैसी रोटी बनाऊँगी। एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैं आटे लगा रही हूँ और मैं डाल रही हूँ मेसी रोटी बनाने का आटा बना रही हूँ। और मैंने लिया गेहूँ का आटा और थोड़ा सा एक कटोरी बेसन की डाली है और अब डाल रही है अजवाइन और कसूरी मेथी और नमक। इस तरह से ये मेसी रोटी बना रही हूँ और बहुत अच्छी लगती है। जब पालक की चटनी या दही के साथ मेसी रोटी अच्छी लगती है और हल्का सा बटर लगा दी तो और भी अच्छी लग जाती है मेसी रोटी। सबको पसंद आती है और इस तरह से मेसी रोटी का आटा लगा रही हूँ मैं। कसूरी मेथी डाल रही हूँ और नमक और अजवाइन डालकर इस तरह से मिक्स कर लें। और हल्का सा आप बटर भी डाल सकते हो, इसके अंदर घी भी डाल सकते हो 1 चम्मच। और इस तरह से आटा लगा लें, अच्छी तरह से गूंद लें और ये सॉफ्ट और मुलायम और आटा गूंद जाए तो फिर रोटियां सेक लें और बहुत ही टेस्ट लगती है मेसी रोटी। आटा लग कर तैयार हो गए और अब मैं रोटियां बना रही हूँ, मेसी रोटी भी रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे एक तरफ मेरी पालक की सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। ये मैंने दीपावली पर ये मैट खरीदी थी, बहुत ही अच्छी मैट है और मेरे को अच्छी भी लगी, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। और ये प्लास्टिक की मैट है, आप देख सकते हो इसमें बर्तन जितने भी छोटे छोटे बर्तन होते थे वो गिर जाते थे ऐसे। आप बच्चे कई बार हाथों से जल्दीबाजी में बंद करते हैं और निकालते हैं तो ये छोटे बर्तन नीचे गिर जाते, निकालने में परेशानी हो जाती थी। इसलिए मैं ये मैट, मेरे को तो मैट ही अच्छी लगी और बर्तन से इसे हालते भी नहीं है और आवाज़ भी नहीं आती है बर्तनों की। और आप देख सकते हो ये मैट बहुत अच्छी लगी और ये देख, ये मैंने मैट लगा दी, अब बर्तन हालते नहीं है ऐसे जल्दीबाजी में। अपन ऐसे सरकाते हैं तो बर्तन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और ये अच्छा अच्छा लगा मेरे को भी ये मैट, और आप भी ये मैट लगा सकते हो बर्तनों में डोर के अंदर और बर्तनों की आवाज़ भी नहीं आएगी और बर्तन गिरेंगे भी नहीं नीचे। और इस तरह से ये बर्तन सेट हो जाएंगे और हालेंगे भी नहीं, ये हलते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है और बर्तन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को और आपको मैं दिखा रही हूँ। और आप भी इसको लोकल मार्केट में मिल जाती है और यूज भी कर सकते हो आप इसे, इस मैट को। हम दोनों में अभी तक की लड़ाई होती रहती है। शुभम बोलता है मैं वीडियो बनाऊं और मैं भी बोलती हूँ मैं बनाऊं। तो आज शुभम ने 2 दिन से ये गन बनाई है, आप देख सकते हो गन कितनी प्यारी बनाई है और ये खतरनाक बनाई है। और अपने YouTube चैनल पर ये डाला है आज इसने। और आप इसका, अगर आपको ये गन पसंद आए तो इसके YouTube चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये 2 दिन से बनाया, 2 दिन लग रहा था वीडियो, फ़ोन इसके पास ही था। और हम दोनों माँ बेटों की यही जिद होती है कि मैं बनाऊँ, कभी ये बनाता है। और ये बुधवार को और संडे को यही वीडियो बनाता है, ये अपना यूट्यूब चैनल में ये डालता है। और आप ये खोल के दिखाई, फोल्डर, ये फोल्डर फोल्ड भी होती है और आप देख सकते इसमें हो। ऐसे होता है, यहाँ पे लॉक वाला है, इसको अगर खोलोगे हाँ तो ये ये बैंड ऐसे होता है, बैंड होती है, पीछे भी जाती है। और इसमें ये वाला जो जोर से इसकी बोल, इसकी ये जो है ना, इसकी मतलब गोलियाँ, वो भी यहाँ से ऐसे बांट कर जाती है।
और ये इसका सामने वाला हैंडल भी ऐसे पीछे स्लाइड होकर बाहर आ जाता है, और ये वाला स्कूप भी ऐसे स्लाइड होकर बाहर आ जाता है, तो ये इतने से में आ जाता है पूरा, और इसके सारे पार्ट्स हैं। बस हो गया। हो गया। अरे चैनल का नाम बता तेरे का, चैनल का? चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं, और नाम है टैब इंडस्ट्रीज। सब्सक्राइब। शुभम अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, और इसे बचपन से ही शौक था कि ये मैं इस तरह की गन वगैरह बनाना, गाड़ी वगैरह कार्डबोर्ड की, और ये शुरू से ही बना रहा है, और ये कल दो दिन से इसी के लग रहा था, और बहुत ज़्यादा बिजी होता है, पानी भी और इसको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, अपना बिजी रहता है, और अपना इस तरह से थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है, और इसका बचपन से ही शौक है कि इस तरह के वेब्स बनाने का, और आप देख सकते हैं ये गन इसकी है, और बहुत अच्छी बनाई है ना, और इस तरह अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।